आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशाकर्मी जीविका एएनएम रसोईया सहित 36 लाख महिला कर्मी आंगनबाड़ी और सेविका और आशाकर्मी जो हैं कि हैं। तमाम महिलाओं के द्वारा जो है कि सवाल पूछे जाते हैं कि क्या सर सचमुच वेतन वृद्धि होने जा रहा है। हमको इस बात पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम केंद्र की मोदी सरकार तमाम कैबिनेट की प्रक्रियाएं पूरी कर जो है कि महिलाओं के वेतन को वृद्धि करने की दिशा में पहल कर चुकी है और यह कार्यवाही परत दर परत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जो है कि कुछ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मियों के द्वारा जो है कि इस तरह का सवाल पूछा जाना और उस सवाल के जवाब देकर जो है कि उन्हें संतुष्ट करना जो है कि मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वे लोग भूल जाती हैं कि उनका जीवन जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी जीविका एएनएम रसोईया का जो है कि समर्पित हो चुका है और उसके बदले में जो चंद रुपए सरकार उन्हें दे रही है उस पर जो है कि केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ा झटका देते हुए वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में ही केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और वेतन वृद्धि का जो है कि कार्यवाही अब प्रारंभ है और अंतिम चरण में पहुंचने को है। आप सभी को जो है कि यह जानना समझना चाहिए कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशाकर्मी जीविका एएनएम रसोईया का वेतन वृद्धि नहीं होगा तो इनके जीवन में जो है कि कुछ भी नहीं है। 6,000-7,000 रुपए जो है कि राशि की आवंटन जो देती है सरकार उससे जो है कि इनके परिवार का जीविकोपार्जन ही संभव नहीं है। और इन तमाम बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है कि मामले दायर हुए थे और उस मामले में 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो है कि फैसला देते हुए तमाम महिला कर्मियों को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशाकर्मी जीविका एएनएम रसोईया के वेतन से ईपीएफ और ईएसआई की राशि कटौती कर इनके भविष्य निधि के खाते में जमा करने का जो है कि सख्त आदेश दिया था। किंतु जो है कि इसमें अड़चन उस समय उत्पन्न हुई थी जब तक महिलाओं का वेतन 18,000 से 22,000 तक नहीं हो जाता तब तक ईपीएफ और ईएसआई की राशि की कटौती किस मद से की जाएगी। और इसी को लेकर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और जो है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अनुशंसा के आलोक में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो कार्यवाही प्रारंभ की गई थी वह जो है कि अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। स्वयं इसके संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है जो कि हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आप स्वयं सुनिए और समझिए। वित्त विभाग और गृह विभाग का पत्र जारी हो चुका है। तमाम महिला कर्मियों का वेतन 100% वृद्धि करना अत्यंत नितांत आवश्यक कर दिया गया है और इस पर कार्यवाही प्रारंभ करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने जो है कि कदम ले लिया है। अब जो है कि कैबिनेट की मीटिंग में फैसले होने हैं और तमाम फैसलों पर मुहर लगाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार इसे जो है कि स्पष्ट कर गजट प्रकाशित करेगी और तमाम महिलाओं का वेतन जो है कि वृद्धि एक साथ करेगी जिसका भुगतान CFMS प्रणाली के माध्यम से महिलाओं के खाते में किया जाना शुरू है। किंतु महिलाओं को खुद भरोसा नहीं है। महिलाएँ यत्र तत्र यहाँ वहाँ पूछने का काम करती है कि क्या सचमुच वेतन वृद्धि होने वाला है। तो जब तक वेतन वृद्धि की पुष्ट खबर और पुष्ट तैयारी केंद्र की मोदी सरकार कर चुकी है उसके उपरांत ही जो है कि न्यूज और खबर चलाने का काम जो है कि तमाम मीडिया इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। इन तमाम मीडिया वालों ने जो है कि केंद्र की मोदी सरकार के इस जो है कि बजट को इस प्रस्ताव को जो है कि जानने का काम किया है। इसको जो है कि धरातल पर उतारने जा रही मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना तमाम मीडिया चैनल्स कर रहे हैं और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशाकर्मी जीविका एएनएम रसोईया के वेतन वृद्धि की मांग को लगातार सरकार तक पहुंचाकर आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और इस संबंध में केंद्रीय वित्त आयोग से जो है कि पत्र जारी हुआ है जो कि आप स्वयं के स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है और साथ ही मोदी सरकार में जो है कि प्रधानमंत्री मोदी के वरिष्ठ मंत्रियों ने इसकी पुष्टि की है। प्रधानमंत्री मोदी भी सहमत हैं और तमाम महिलाओं का वेतन वृद्धि अब निश्चित तौर पर होगा। इसे जो है कि कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इस पर तमाम जो है कि कार्यवाही अब प्रारंभ हो चुकी है जो कि अब अंतिम चरण में है। देर सवेर सरकार जो है कि गजट प्रकाशित करे अध्यादेश जारी करे जो भी करे किंतु जो है कि कार्यवाही होनी है और तय कार्यवाही के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 18,000 से 22,000 सहायिका का 15,000 आशा कर्मी का 12,000 जीविका का जो है कि 7,000 और रसोईया का जो है कि 1,500 से 6,000 रुपये वृद्धि करने का काम जो है कि केंद्रीय कैबिनेट करने जा रही है और जिसका प्रस्ताव
तैयार कर जो है कि वित्त विभाग से मंजूरी के उपरांत इसे मोदी सरकार के फैसले का इंतजार जो है कि हो रहा था वह इंतजार अब खत्म हो चुका है। तमाम महिलाएं जो है कि खुशहाली मनाएं और जो है कि उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि किया जाएगा और उनके वेतन को वृद्धि कर तमाम जो महिला कर्मी हैं उनको लाभ प्रदान करते हुए जो है कि सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेने का काम करने जा रही है और इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सारी कार्यवाहियाँ जो है कि शुरू है और इसके संबंध में तमाम मीडिया चैनल्स आपको खबर भी दिखा रहे हैं जो कि आप देखने का काम करते हैं और इस चैनल के माध्यम से लगातार आपका जो है कि आवाज़ बुलंद किया जाता है और आप लोगों के लिए जो है कि मांग की जाती है अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए और सरकार के तरफ से आ रही खबरों को जो है कि समय पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ जो है कि बेल आइकन दबाइए क्योंकि जो है कि इस चैनल के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार की एक एक एक्टिविटी एक एक कार्यवाही की खबर आपको सबसे पहले दी जाती है। तो जय हिंद जय भारत।